dear students, welcome to our channel Mission Chemical Sciences. Have a nice day. Today we are going to learn a very essential part and basics of organic chemistry, and it will be very helpful to appear in any kind of competitive exam and council exams. So let's have a journey to basics of organic chemistry. Welcome, Dipa Jyoti. Very morning. आज हम लोग पढ़ेंगे basics of organic chemistry, और basic concepts of organic chemistry. लोग ये जानते हैं कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बहुत डाइवर्स है, वर्सेटाइल है और फैसिनेटिंग है। तो क्यों होता है? क्योंकि ये जो कार्बन एलिमेंट होता है, ये कार्बन एलिमेंट ग्रुप फोर पीरियोडिक टेबल में ग्रुप फोर में रहता है और उसका पहला मेंबर है कार्बन। कार्बन की एटमिसिटी 6 होता है। कार्बन इज अ फर्स्ट मेंबर इन द ग्रुप फोर एलिमेंट। इट्स एटमिसिटी 6, सो इट कंटेन 6 नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। और इट्स जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इज 1s2, 2s2, 2p2। हम लोग ये जानते हैं क्या s ऑर्बिटल का जो मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन एकोमोडेशन कैपेसिटी है, एस ऑर्बिटल के लिए 2 इलेक्ट्रॉन होता है। तो कोई बात नहीं, तो एस इलेक्ट्रॉन 2 है, यहाँ 2s ऑर्बिटल के लिए भी 2 इलेक्ट्रॉन है, लेकिन p ऑर्बिटल के लिए यहाँ एक एक करके 2 इलेक्ट्रॉन है, लेकिन यहाँ p ऑर्बिटल के लिए मैक्सिमम 6 इलेक्ट्रॉन रह सकता है। ठीक है, तो दिखाई दे रहा है जब ये p ऑर्बिटल के अंदर 2 अनपेयर इलेक्ट्रॉन है, तो ये 2 अनपेयर इलेक्ट्रॉन वैलेंस शो करेगा, मतलब कार्बन डाइवैलेंट होना चाहिए। सो प्रैक्टिकली ये कार्बन शुड बी ए डाइवैलेंट एलिमेंट, बट एक्सेप्शनली इट इज फाउंड टेट्रावैलेंट। कार्बन फाउंड टेट्रावैलेंट, तो ये कैसे टेट्रावैलेंट हो गया? हम लोगों के पास 2 हाथ है, 2 हाथ को तो कभी भी चार्ज से नहीं बदल सकते, लेकिन कार्बन ऐसा हो सकता है। कभी कभी इंसान ऐसा होता है, जो महान इंसान होता है, उन लोगों को 2 हाथ होता है, 2 पैर होता है, लेकिन इतना काम करता है ये लोग, बड़ा बड़ा काम करता है, क्या 2 हाथ नहीं, दिमाग चाहिए, मतलब उसका दिमाग ऐसे सहस्त्र हाथों की तरह बिहेव करता है। ऐसे ही कुछ कार्बन, तो ये उसके 4 हाथ कैसे आ गए हम लोग देखेंगे। तो ये जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, ये ग्राउंड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, ग्राउंड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। लेकिन जब एक्साइटेड स्टेट में आ गया, तो ये दोनों जो एस ऑर्बिटल के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन था, ये 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ से इधर आ जाते हैं, 2 नहीं, 1 इधर आ जाए। तो अल्टीमेटली क्या होगा, जब ये 2 इलेक्ट्रॉन इधर आ गया, तो अभी एक्साइटेड स्टेट, मतलब कार्बन का एक्साइटेड स्टेट एक्टिवेटेड स्टेट में आ गया, तो इसका जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2 से बदल गया, एक 2s और एक 2p। तो फिर क्या हुआ, 1, 2, 3, 4, तो अभी दिखाई दे रहा है इसका अंदर 4 अनपेयर इलेक्ट्रॉन है, तो इसी वजह से ये कार्बन टेट्रावैलेंट हो गया। तो फिर और एक सवाल पूछते हैं, जब एस ऑर्बिटल तो स्फेरिकल से होता है, एस ऑर्बिटल स्फेरिकल, और इसका अंदर 3 पी ऑर्बिटल दिखाई दे रहे हैं, 3 पी ऑर्बिटल दिखाई दे रहे हैं, 3 पी ऑर्बिटल दिखाई दे रहे हैं, तो जब ये 1, 2, 3, 4 मतलब 4 ऑर्बिटल जब केमिकल बॉन्ड में पार्टिसिपेट करेगा,
तो अल्टीमेटली क्या होगा, एक शॉर्टेस्ट बॉन्ड होगा और तीन लेंथी बॉन्ड होगा, है ना? प्लीज रिस्पॉन्ड, है या नहीं? प्लीज रिस्पॉन्ड इन द कमेंट बॉक्स। तो ये सर्वाइटल स्फेरिकल है, और हम लोग ये तो पढ़ चुके हैं क्या, ये सर्वाइटल का जो सरफेस एरिया होता है वो मिनिमम सरफेस एरिया, मिनिमम सरफेस एरिया ऑफ कॉन्टेक्ट। तो जब एस ऑर्बिटल के साथ कोई दूसरा ऑर्बिटल और कोई दूसरा ऑर्बिटल या और कोई दूसरा एलिमेंट का ऑर्बिटल के साथ कॉम्बिनेशन हो तो कॉन्टैक्ट एरिया कम है। तो कॉन्टैक्ट एरिया कम होने के वजह से एस ऑर्बिटल का जो बॉन्ड होता है वो क्या होगा, वीक होगा ना। ज़्यादा मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जहाँ रहेगा वही बॉन्ड स्ट्रॉन्ग होता है। और फिर दूसरा पी ऑर्बिटल लेंथी होने के वजह से, तो देखते हैं एग्जाम्पल सी एच फोर मॉलिक्यूल के बारे में हम लोग सोचते हैं क्या होगा। तो ये चार हाइड्रोजन कार्बन के साथ जुड़ा रहता है तो दिखाई दे रहा है। तो ये हाइड्रोजन का एस ऑर्बिटल, एक हाइड्रोजन का एस ऑर्बिटल और एक कार्बन का एस ऑर्बिटल दोनों कॉम्बाइन हो तो दोनों एस ऑर्बिटल का देखो तो कॉम्बिनेशन एरिया तो बहुत कम है। तो मतलब ये दोनों, ये जो बॉन्ड होता है ये बॉन्ड वीक होगा, ये भी तो वही होगा। ये क्यों वही होगा, क्योंकि इसका एरिया कॉन्टैक्ट कम है। और दूसरा ये तो लेंथी हो गया, बहुत लेंथी हो गया, तो फिर ये भी वही हो जाएगा, ठीक है ना। तो फिर क्या होगा, मीथेन गैस बहुत रिएक्टिव होगा, मतलब मीथेन गैस कभी भी सर्वाइव नहीं करेगा। लेकिन प्रैक्टिकली ऐसा नहीं होता, मीथेन गैस पहले से ही है, जब ये पृथ्वी भी स्टे हुआ पैदा हुआ और जब एटमोसफियर पैदा हुआ फिर उस टाइम ये मीथेन गैस पैदा हुआ। और मीथेन गैस ज़्यादा स्टेबल होता है, आप लोग पढ़ चुके हैं मीथेन गैस केमिकल एक्टिविटी बहुत कम है, नहीं है नियर अबाउट, सिर्फ फोटोसेंसिटिव होता है, ठीक है। तो इसीलिए कैसा होता है, केमिकल रिएक्टिविटी प्रैक्टिकली फाउंड इट इज नॉट रिएक्टिव। सो हाउ दिस कैन बी एक्सप्लेन, इसके लिए हम लोग एक नया कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे, उसको कहते हैं हाइब्रिडाइजेशन कॉन्सेप्ट। ये बेसिक चाहिए, देखो जहाँ भी केमिस्ट्री पढ़ो, डिग्री कोर्स पढ़ो या आईआईटी, जो भी जहाँ भी जाओ, ये बेसिक्स क्लियर नहीं होगा तो तुम आगे नहीं बढ़ सकोगे। चाहे केमिस्ट्री भी छोड़ दो, फिजिक्स ऑनर्स पढ़ो, मैथमेटिक्स डिग्री कोर्स में पढ़ाई करो, तो वो भी तो पास लेवल में ऐसे ही पढ़ना चाहिए, तो वहाँ भी बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। जो लोग प्लस टू पढ़ रहे हैं, जो लोग जूनियर इंजीनियरिंग के लिए पॉलिटेक्निक एंट्रेंस दे रहे हैं, उन लोगों के लिए ये बहुत हेल्पफुल है, ठीक है। तो हाइब्रिडाइजेशन कॉन्सेप्ट आ गया, तो हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है उसके बारे में हम लोग सोचेंगे। तो ये हम लोग जानते हैं ग्रेगर जोहान मेंडल का नाम सब लोग सुना है, कौन है, इज अ फादर ऑफ जेनेटिक्स। ग्रेगर जोहान मेंडल को कहते हैं फादर्स ऑफ जेनेटिक्स, क्यों, क्योंकि उन्होंने ये बहुत सारे प्लांट के ऊपर काम किया और क्रॉसिंग करने के बाद और नया नया हाइब्रिड या नया नया पैदा किया है। तो वहाँ हाइब्रिडाइजेशन, वहाँ जो बायोलॉजी में है, तो यहाँ हम लोग केमिस्ट्री में भी पढ़ेंगे हाइब्रिडाइजेशन कॉन्सेप्ट। हाइब्रिडाइजेशन कॉन्सेप्ट क्या होता है, हाइब्रिडाइजेशन कॉन्सेप्ट इज द इंटरमिक्सिंग ऑफ सेवरल सेट ऑफ ऑर्बिटल्स, इंटरमिक्सिंग। तो यहाँ एस ऑर्बिटल, एक एस ऑर्बिटल और तीन पी ऑर्बिटल मिलकर मिक्स हो जाएगा। इंटरमिक्स होने के वजह से एक प्योर सेट ऑफ ऑर्बिटल पैदा होगा, ठीक है। तो ये जो हाइब्रिडाइजेशन हो रहा है या हाइब्रिड ऑर्बिटल पैदा हो रहा है, उसका वजह क्या है, जब तीन पी ऑर्बिटल एक एस ऑर्बिटल में मिक्स हो गया तो sp3 हाइब्रिडाइजेशन, जब दो पी ऑर्बिटल एक एस ऑर्बिटल तो sp2 हाइब्रिडाइजेशन, जब एक पी ऑर्बिटल और एक एस ऑर्बिटल है तो sp हाइब्रिडाइजेशन, ठीक है ना। तो हाइब्रिडाइजेशन कॉन्सेप्ट क्या है, द कॉन्सेप्ट ऑफ इंटरमिक्सिंग। सो व्हाट अबाउट हाइब्रिडाइजेशन, इट इज कॉन्सेप्ट ऑफ इंटरमिक्सिंग ऑफ प्योर ऑर्बिटल to produce equivalent in terms of energy, overlapping power and symmetry, to produce equivalent bonds, to
प्रोड्यूस इक्विवेलेंट बॉन्ड्स इन मॉलिक्यूल्स, मतलब मॉलिक्यूल का अंदर सब बॉन्ड सेम होना चाहिए, समतुल्य कहते हैं। एनर्जेटिकली ओवरलैपिंग एंड सिमेट्रिकली सेम होना चाहिए। देखो ये प्लस टू का फर्स्ट ईयर का कॉन्सेप्ट है, कोई बात नहीं, लेकिन जब कॉम्पिटेटिव एग्जाम जो भी हो, नीट एग्जाम के लिए भी ये कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, वहाँ से पूछा जाएगा। कैसे देखते हैं, ऐसे एग्जाम को लिखते हैं कौन सा नीट एग्जाम के लिए कैसे क्वेश्चन आता है, ठीक है। एक एग्जाम्पल, व्हिच इज द बॉन्ड स्ट्रेंथ स्टेबिलिटी ऑर्डर ऑफ एसपी एसपी टू एसपी थ्री और बॉन्ड एंगल ऑर्डर सेम स्ट्रेंथ, विल डिस्कस वन बाय वन, जस्ट वेट। बॉन्ड स्ट्रेंथ इसी तरह आगे बढ़ेगी, बॉन्ड एंगल इसी तरह 180 डिग्री से 120 डिग्री फिर 109 डिग्री 28 मिनट, ऐसे ही पूछा जाता है। फिर उसका बॉन्ड लेंथ इधर होगा, इस तरह पड़ेगा बॉन्ड लेंथ, ये सब डिस्कस करेंगे, ठीक है। ऐसे फंडामेंटल पूछा जाता है, वेरी वेरी एसेंशियल पार्ट। बॉन्ड स्ट्रेंथ उस तरह एसपी ग्रेटर देन एसपी टू ग्रेटर देन एसपी थ्री, बॉन्ड एंगल 180 डिग्री एसपी ग्रेटर देन 120 डिग्री ग्रेटर देन 109 डिग्री 28 मिनट्स, बट बॉन्ड लेंथ ऑपोजिट। बॉन्ड ऑर्डर दिस वन इंक्रीजेस, दिस ऑर्डर एसपी हैज द मैक्सिमम बॉन्ड ऑर्डर बिकॉज ऑफ टू पाई बॉन्ड्स वन सिग्मा बॉन्ड्स, वन पाई बॉन्ड्स वन सिग्मा बॉन्ड्स एंड ओनली सिग्मा बॉन्ड्स, नो पाई बॉन्ड्स, ऐसे कुछ पूछा जाता है क्वेश्चन। तो हाइब्रिडाइजेशन क्या है? हाइब्रिडाइजेशन होता है कॉन्सेप्ट ऑफ इंटरमिक्सिंग ऑफ प्योर ऑर्बिटल्स टू प्रोड्यूस इक्विवेलेंट बॉन्ड इन मॉलिक्यूल। इक्विवेलेंट व्हाई? इक्विवेलेंट इन एनर्जी, इक्विवेलेंट इन ओवरलैपिंग पावर, इक्विवेलेंट इन सिमेट्री, सिमेट्रिकल इक्विवेलेंट, एनर्जेटिकल इक्विवेलेंट एंड इक्विवेलेंट इन टर्म्स ऑफ बॉन्ड मेकिंग विथ अदर एलिमेंट। वुड बॉन्डिंग असेस असिस और तुम्हारा जो दोस्त है उन लोग को बुलाओ, हम लोग आगे बढ़ेंगे, ठीक है ना। कमेंट बॉक्स में लिखो कुछ क्वेरी है तो, है दिखाई दे रहे ना, कुछ कमेंट करो, दिखाई दे रहा है या नहीं, एनी प्रॉब्लम लाइट्स, ठीक है। तो एक एक करके हम लोग डिस्कस करेंगे। तो हाइब्रिडाइजेशन कॉन्सेप्ट ऑफ इंटरमिक्सिंग ऑफ प्योर ऑर्बिटल्स टू प्रोड्यूस इक्विवेलेंट बॉन्ड्स इन मॉलिक्यूल इज नोन एज द हाइब्रिडाइजेशन। देन मोड ऑफ हाइब्रिडाइजेशन, हाइब्रिडाइजेशंस आर क्लासिफाइड इनटू थ्री कैटेगरीज, एसपी हाइब्रिडाइजेशन, एसपी टू हाइब्रिडाइजेशन, एसपी थ्री हाइब्रिडाइजेशन। नाउ लेट्स प्रोसीड, व्हाट अबाउट एसपी एसपी थ्री एसपी टू एंड एसपी। तो एक कार्बन का चार हाथ कैसे आया, एक क्लियर हो गया, क्योंकि कार्बन का जो 2s ऑर्बिटल है दो इलेक्ट्रॉन, वो एक्साइटेड स्टेट में क्या होता है, अनपेयर्ड हो जाता है। अनपेयर्ड होने के वजह से चार अनपेयर्ड इन बैलेंस सेल में मिल गया, तो इसी वजह से कार्बन टेट्रावेलेंट है। फिर उसका रिएक्टिविटी के बारे में, वो रिएक्टिव नहीं है, क्यों रिएक्टिव, मतलब ज्यादा रिएक्टिव नहीं है, क्यों नहीं है, क्योंकि हाइब्रिडाइजेशन के वजह से वो लोग इक्विवेलेंट बॉन्ड पैदा करते हैं, ठीक है। तो फर्स्ट केस ऑफ एसपी हाइब्रिडाइजेशन, पहले हम लोग पढ़े एसपी हाइब्रिडाइजेशन क्या है। एसपी हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है, पहले एक प्योर एस ऑर्बिटल और एक प्योर पी ऑर्बिटल दोनों मिक्स हो गया, यहाँ न्यूक्लियस है, यहाँ न्यूक्लियस है, तो ये मिक्सिंग होने के वजह से क्या मिलेगा, ऐसा ही उसका लोब होता है ऐसे। एंड इन एसपी हाइब्रिडाइजेशन फर्स्ट सिग्मा स्केलेटन इज प्रिपेयर, याद रखना जब मॉलिक्यूल पैदा होता है पहले सिग्मा बॉन्ड पैदा होता है, सिग्मा बॉन्ड पैदा होने के बाद जो पैदा होता है वो है पाई बॉन्ड्स, ये सिग्मा बॉन्ड। तो पहले ये एसपी सिग्मा बॉन्ड एंड कीप्स मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अलोंग द इंटर न्यूक्लियर एक्सिस, यहाँ एक न्यूक्लियस है, यहाँ एक न्यूक्लियस है, और ये जो मैक्सिमम डिस्टेंस जोन है, यहाँ मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन रहेगा इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस, ये दोनों न्यूक्लियस के बीच जो डिस्टेंस है इसको कहते हैं बॉन्ड लेंथ, हाँ।
इसको कहते हैं बॉन्ड लेंथ। तो हम लोग और एक नया डेफिनेशन पढ़ाई कर लिया, बॉन्ड लेंथ क्या होता है। बॉन्ड लेंथ इज द एवरेज डिस्टेंस बिटवीन टू न्यूक्लियाई कनेक्टेड बाय ए केमिकल बॉन्ड। दोनों एटम, वही मॉलिक्यूल का अंदर दो एटम जब न्यूक्लियस के साथ जुड़ा होता है ना, जुड़ा रहता है। क्यों रहता है? वैलेंस शेल का जो इलेक्ट्रॉन है, वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन कॉम्बिनेशन के वजह से रिक्वायर टू मेक हाइब्रिडाइजेशन। दिव्य ज्योति, व्हाई वी रिक्वायर टू प्रोड्यूस हाइब्रिडाइजेशन? देखो हम लोगों ने ये मॉलिक्यूल को मॉलिक्यूल पार्टिसिपेट कर रहे हैं ना, हम लोग हाइब्रिडाइजेशन क्यों, व्हाई वी रिक्वायर टू प्रोड्यूस हाइब्रिडाइजेशन। देखो हाइब्रिडाइजेशन के लिए, देखो यहाँ हाइब्रिडाइजेशन नहीं, तो ये जो हाइब्रिडाइजेशन टर्म होता है एक कोएग्नेटिव वर्ड होता है। तुम मेडिसिन में जाओ तो वहाँ अलग बात, बायोलॉजी के लिए हाइब्रिडाइजेशन का मतलब वेरिएशन, मतलब हाइब्रिडाइजेशन नहीं होगा तो दुनिया में कोई भी चीज सर्वाइव नहीं कर सकता, ठीक है। द सडन चेंज द अरेंजमेंट ऑफ जीन इन ए क्रोमोसोम और ए डीएनए इज नोन एज द म्यूटेशन, एंड म्यूटेशन इज द बेसिस ऑफ इवोल्यूशन। हाँ, वाइसमैन थ्योरी, चार्ल्स डार्विन थ्योरी, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, है ना। तो यहाँ हम लोग केमिस्ट्री लोगों के लिए हाइब्रिडाइजेशन यही है, इसलिए एप्लीकेबल है, क्योंकि केमिस्ट्री के लिए मॉलिक्यूल स्टेबल क्यों है, ये जो केस है इसको डिस्क्राइब करने के लिए हम लोग हाइब्रिडाइजेशन कॉन्सेप्ट यहाँ पढ़ेंगे, ठीक है। लेकिन और दूसरे सब्जेक्ट के लिए हाइब्रिडाइजेशन का अलग अलग महत्व है, ठीक है, महत्वपूर्ण होता है ये हाइब्रिडाइजेशन कॉन्सेप्ट, ठीक है, कोई बात नहीं। चलो हम लोग केमिस्ट्री पढ़े कर रहे हैं ना, हम थोड़ी ना बायोलॉजी पढ़ रहे, फिर भी एक टर्म होता है हाइब्रिडाइजेशन, टर्म में सब जगह है। चलो तो एसपी हाइब्रिडाइजेशन की वजह से क्या होता है, एक एस ऑर्बिटल और एक पी और पी ऑर्बिटल दोनों मिक्स होने के बाद ऐसे ही उसका ओरिएंटेशन होगा। याद रखना एसपी हाइब्रिडाइजेशन के लिए कल हम लोग ये पढ़ चुके हैं कि एसपी हाइब्रिडाइजेशन के लिए हाइब्रिडाइजेशन होने के बाद जो सिग्मा बॉन्ड पैदा होता है बहुत स्ट्रांग होता है, उसको कभी भी हम लोग नहीं तोड़ सकते। क्यों? अंबुजा सीमेंट से बना हुआ क्या? नहीं, ऐसे नहीं, मतलब ये जो दोनों इंटर न्यूक्लियस डिस्टेंस है ना, वहाँ ज्यादा मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन वहां रहता है, इट इज डेंस, डेंस एरिया, ठीक है ना। इसलिए एसपी हाइब्रिडाइज्ड जो सिग्मा स्केलेटन होता है जो बहुत टफ डिफिकल्ट होता है, हम लोग उसको कभी भी उसको ब्रेक नहीं कर सकते, ठीक है। तो ऐसे ही तो ये बॉन्ड लेंथ होता है सबसे शॉर्टेस्ट होगा, ठीक है। ये जो बॉन्ड लेंथ है एसपी हाइब्रिडाइजेशन के लिए सबसे शॉर्टेस्ट बॉन्ड लेंथ होगा, हम लोग ये बेसिक कॉन्सेप्ट यहाँ क्लियर कर लेंगे। बॉन्ड लेंथ शॉर्टेस्ट होगा एसपी हाइब्रिड ऑर्बिटल के लिए। और परसेंटेज ऑफ एस करेक्टर, ठीक है, पढ़ लेते हैं। एस करेक्टर कितना होता है? 50% एस करेक्टर और 50% पी करेक्टर होता है। हाँ, 50% एस एंड 50% पी कैरेक्टर होता है, 50-50। और फिर आया कौन सा? बॉन्ड एंगल के बारे में सोचते हैं। बॉन्ड एंगल, इसका बॉन्ड एंगल तो लीनियर दिखाई दे रहा है, तो इसका बॉन्ड एंगल होगा 180 डिग्री। सबसे मैक्सिमम बॉन्ड एंगल यहाँ मिलता है दुनिया में, जो जहाँ भी जाओ, जो भी मॉलिक्यूल स्ट्रक्चर के बारे में सोचो, 180 डिग्री से ज़्यादा नहीं होता, इम्पॉसिबल। वही वही है एसपी हाइब्रिडाइजेशन, ठीक है। तो एसपी हाइब्रिडाइज स्पीशीज का एग्जाम्पल बहुत सारे एग्जाम्पल होता है। नंबर वन एसिटिलीन, जनरली ऑल काइंड्स ऑफ एल्काइंस। यहाँ और एक चीज हम लोग डिस्कस करेंगे, याद रखना ये जो एसिटिलीन होता है, एसिटिलीन क्या होता है? एसिटिलीन एसपी हाइब्रिडाइजेशन होता है। तो यहाँ दोनों हाइड्रोजन, यहाँ एक हाइड्रोजन, यहाँ हाइड्रोजन, यहाँ भी एक हाइड्रोजन कनेक्टेड हो गया। तो फिर देखो ये तो पहला कार्बन का अंदर तीन प्योर पी ऑर्बिटल है और एक एस ऑर्बिटल है, तो सब मिक्स होने के बाद जूम इन जूम आउट होच्छे क्या कैमरा, ओ सूर्यमय कुछ हो गया, ये तो लाइव क्लास हो रहा है ना, पता नहीं कोई टेक्निकल फॉल्ट भी हो सकता है। वेलकम सूर्यमय। तो ये जो HCH जो एसिटिलीन मॉलिक्यूल दिखाई दे रहे हैं ना, तो एसिटिलीन मॉलिक्यूल का अनोखा एक मॉलिक्यूल है, एक पहला एस ऑर्बिटल और एक प्योर पी ऑर्बिटल सिग्मा बॉन्ड के लिए पार्टिसिपेट कर लिया, ठीक है, कोई बात नहीं। लेकिन बाकी जो प्योर पी ऑर्बिटल है, दो प्योर पी ऑर्बिटल, उसका क्या काम है? उसका तो कुछ काम होगा ही,
देखते हैं उसका क्या काम है। ये दोनों प्योर प्योर मेटल लेटर पहले एक से डिस्कस करते हैं। ये दोनों प्योर प्योर मेटल लेटरल ओवरलैपिंग के लेटरल ओवरलैपिंग के वजह से एक पहला सेट पाई बॉन्ड पैदा हो गया। ठीक है, तो हम लोग ये जो पहला प्योर मेटल को पी एक्स कॉन्सिडर करें तो ये वाला है पी वाई, और दूसरा और एक सेट भी है इसके अंदर। दूसरा सेट कहाँ है देखते हैं, जो पी जेड प्लेन में रहता है, पी जेड परपेंडिकुलर, याद रखना। ये जो पी एक्स पी वाई पी जेड ऑल्टरनेटिवली 90 डिग्री एंगल से रहता है। ठीक है, ये पी एक्स तो ये पी वाई और ये पी जेड, ठीक है, तो 90 डिग्री एंगल के बराबर रहता है। ठीक है, इसी वजह से परपेंडिकुलर है। तो ये दोनों प्योर प्योर मेटल लैटरल ओवरलैपिंग के वजह से क्या पैदा होगा, दोनों पाई बॉन्ड पैदा हुआ, दोनों पाई बॉन्ड पैदा हुआ। इसी वजह से वेलकम सर, रोमाकांत सर, गुड मॉर्निंग। तो ये जो प्योर प्योर मेटल, दोनों प्योर प्योर मेटल लैटरल ओवरलैपिंग होने के वजह से दो पाई बॉन्ड पैदा हुआ। और फिर एक बार हम लोग यह डिस्कस करें, ये जो प्योर प्योर मेटल का अंदर, ये तो न्यूक्लियस से बहुत ज्यादा दूर है, तो ये न्यूक्लियस से बहुत दूर है, तो इसलिए यहाँ जो इलेक्ट्रॉन है, यहाँ जो इलेक्ट्रॉन है और यहाँ जो इलेक्ट्रॉन है, इट इज नॉट अंडर द कंट्रोल ऑफ न्यूक्लियस, इट इज नॉट अंडर द कंट्रोल ऑफ न्यूक्लियस। तो ऐसा होता है ना, जब फैमिली में दो चार बच्चा होता है तो फैमिली का जो पेरेंट्स उसको कंट्रोल में नहीं रहता है ना, कहाँ कहाँ भटकते हुए आत्मा की तरह घूमता फिरता रहता है। कोई बात नहीं, अभी तो लॉकडाउन का सीजन चल रहा है, तब ये जब ये बाहर घूमते फिरते हैं तो फैमिली में जो पेरेंट्स हैं, पेरेंट्स सोचते हैं उसका बेटा कहाँ गया, क्या क्या कर रहे हैं, सही है या नहीं है। अभी जो लोग लॉकडाउन में बाहर स्टेट में रहते हैं, सोचते रहते हैं क्या कर रहे हैं वहाँ, उसका तबीयत सही है या नहीं, तो ऐसे ही कुछ चीज। देखो, जब यहाँ जो प्योर प्योर वेट का, जो प्योर प्योर वेट का अंदर जो इलेक्ट्रॉन है वो डायरेक्टली वो न्यूक्लियस का कंट्रोल में नहीं, इन्फ्लुएंस में नहीं है, तो जब ये न्यूक्लियस से बहुत दूर है तो ऐसे ये कार्बन ऐसे इलेक्ट्रॉन को छोड़ दिया, ऐसे ही बिहेव करेगा कुछ। ठीक है, तो जब इलेक्ट्रॉन छोड़ दिया मतलब नहीं है, तो इसी वजह से क्या होगा, एक कार्बन थोड़ा सा पॉजिटिव चार्ज फील करेगा। ठीक है, एज द पाई बॉन्ड इलेक्ट्रॉन्स और पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड्स आर नॉट डायरेक्ट कंट्रोल अंडर, आर नॉट अंडर डायरेक्ट कंट्रोल ऑफ द न्यूक्लियस, देन व्हाट हैपेंस, कार्बन एक्सपीरियंस सम पॉजिटिव चार्ज। इसी वजह से कार्बन का अंदर थोड़ा सा पॉजिटिव चार्ज फील होगा, और इस पॉजिटिव चार्ज फील होने के वजह से ये जो कार्बन हाइड्रोजन एसिटिलीन का अंदर जो टर्मिनल दो कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड है, ये हाइड्रोजन से कार्बन विथड्रॉ होगा, कहाँ, कार्बन की तरह। इसी वजह से ये जो हाइड्रोजन है, अभी हाइड्रोजन तो इलेक्ट्रॉन छोड़ देते हैं बहुत आसानी से, वो बहुत नोबल एलिमेंट होता है, उसका इलेक्ट्रॉन पसंद नहीं है, उसका पॉजिटिव चार्ज ही पसंद है। सोसाइटी में बहुत सारे लोग होता है जो लोग सब कुछ दान कर देते हैं, ठीक है, दानवीर कहते हैं, वो सब कुछ इलेक्ट्रॉन छोड़ दिया तो फिर क्या होगा, पॉजिटिव चार्ज हो गया, और ये एसिटिलीन का जो कार्बन मॉलिक्यूल नेगेटिव चार्ज हो गया, मतलब शॉर्ट पैदा होगा। इसी वजह से एसिटिलीन मॉलिक्यूल, इसी वजह से एसिटिलीन मॉलिक्यूल एसिडिक होता है। ठीक है, इसी वजह से एसिटिलीन एसिडिक नेचर होता है। ठीक है, तो ये एसिटिलीन मॉलिक्यूल या एसपी हाइब्रिडाइजेशन जो आप लोग पढ़ रहे हैं उसके बारे में जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है, पहला नंबर वन पॉइंट, ये एसपी हाइब्रिडाइजेशन होता है एक प्योर एस ऑर्बिटल और एक प्योर पी ऑर्बिटल कॉम्बिनेशन के होने के वजह से। एक कौन सा है, और एक बार वो एसिडिटी के बारे में, ठीक है एसिडिटी के बारे में और एक बार बोल रहा हूँ, ठीक है, कोई बात नहीं। तो हम लोग क्या पढ़ाई किया है, पहला है कार्बन एसिडिन का अंदर एक एस ऑर्बिटल एक पी ऑर्बिटल कॉम्बिनेशन के वजह से, हाइब्रिडाइजेशन के वजह से एक सिग्मा स्केलेटन पैदा हुआ। फिर दोनों प्योर पी ऑर्बिटल परपेंडिकुलर होता है, परपेंडिकुलर टू द सिग्मा मॉलिक्यूलर प्लेन और सिग्मा स्केलेटन,
and due to overlapping, lateral overlapping, they produces two set of pure pi bonds, दो pi bond पैदा होता है. As pi electron clouds are not direct control of nucleus, so the electron clouds are highly polarizable. मतलब यहाँ जो इलेक्ट्रॉन है ये न्यूक्लियस का नजदीक नहीं है. The pi electron clouds is not under the direct influence of the nucleus. That is why carbon experience some positive charge. इसी वजह से कार्बन थोड़ा सा पॉजिटिव चार्ज फील करता है. जब कार्बन पॉजिटिव चार्ज फील करे तो उसका असर कहाँ पड़ेगा? कार्बन और हाइड्रोजन बॉन्ड का ऊपर. और एक हाइड्रोजन से कार्बन की तरह इलेक्ट्रॉन विदड्रॉ होगा. एक हाइड्रोजन से कार्बन की तरह इलेक्ट्रॉन जब विदड्रॉ होगा तो क्या होगा? ये हाइड्रोजन कार्बन हाइड्रोजन जो बॉन्ड होता है वो एसिडिक हो गया, मतलब प्रोटोजेनिक हो गया. एसिडिक मतलब प्रोटोजेनिक हो गया. और हाइड्रोजन तो महान होता है क्योंकि हाइड्रोजन जब इलेक्ट्रॉन छोड़ दिया तो H प्लस पैदा होगा. इसी वजह से एसिडिन का अंदर थोड़ा सा सोडियम सॉल्ट डाल देते हैं तो हो गया सोडियम सॉल्ट प्लस एसिटिलाइट सॉल्ट C2CH-, सोडियम एसिटिलाइट सॉल्ट पैदा होता है. ठीक है, ऐसे ही कुछ. तो ये था sp हाइब्रिडाइजेशन का कहानी, खत्म हो गया. तो याद रखना बॉन्ड स्ट्रेंथ, sp हाइब्रिडाइजेशन हैज द मैक्सिमम बॉन्ड स्ट्रेंथ. बॉन्ड पैदा होने से पहले पहले सिग्मा स्केलेटन पैदा होता है, बाद में पाई बॉन्ड पैदा होता है. ठीक है, व्हाट इज द रोल ऑफ पाई बॉन्ड? पाई बॉन्ड का रोल क्या है? पाई बॉन्ड मॉलिक्यूल का स्ट्रेंथ बढ़ा देते हैं. मॉलिक्यूलर स्ट्रेंथ, पाई बॉन्ड्स इंक्रीजेस द मॉलिक्यूलर स्ट्रेंथ एंड ऑल्सो ऑफर सम एसिडिक प्रॉपर्टीज इन केस ऑफ द अल्काइन डेरिवेटिव, टर्मिनल अल्काइन डेरिवेटिव्स. और दूसरा क्या होता है? दूसरा ये है, ये पाई बॉन्ड्स का दूसरा रोल क्या है? पाई बॉन्ड्स इज द फंक्शनल ग्रुप ऑफ अल्काइन्स एंड अल्केन्स एंड पाई बॉन्ड्स पार्टिसिपेट इन केमिकल रिएक्शन एग्जिबिटेड बाय अल्काइन्स एंड अल्केन्स बाय इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट. बाय इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट विल डिस्कस वंस अगेन इन द लेटर क्लास. व्हाट इज इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट? व्हाट इज इंडक्टिव इफेक्ट? व्हाट इज रेजोनेंस इफेक्ट? एटसेट्रा एटसेट्रा. सो एनीवे नेक्स्ट कम टू द पॉइंट, व्हाट अबाउट sp टू हाइब्रिडाइजेशन? तो ये है sp हाइब्रिडाइजेशन का कहानी हो गया. और एक चीज हम स्पेसिफाई करना चाहिए, क्योंकि ये जो sp हाइब्रिडाइजेशन के वजह से या ऑल sp हाइब्रिडाइज्ड स्पीशीज सिलिंड्रिकल जियोमेट्री होता है. हाँ, ये सिलेंडर की तरह दिखाई देते हैं, याद रखना है. सिलिंड्रिकल सिमेट्री होता है. यहाँ कार्बन जैसे इसका अंदर एक इनर लेयर पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड्स और बाहर वाला वो है सिलिंड्रिकल सिमेट्री होता है. ठीक है, जैसे इसका अंदर एक इनर लेयर पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड्स और बाहर वाला वो है दूसरा पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड्स. ठीक है, तो ये वाला और ये वाला दोनों लेयर, ये है पहला वाला इनर कोर पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड्स और बाहर वाला जो है वो आउटर पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड्स. और ये कार्बन कार्बन का बीच होता है सिग्मा इलेक्ट्रॉन. और
स्केलेटन। कभी कभी ऐसे पूछा जाता है कॉम्पिटिटिव एग्जाम क्लास में, क्या व्हिच मॉलिक्यूल्स